बुलंदशहर से रिशु कुमार, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। चोरों को जल्द कर लेंगे गिरफ्तार, व्यापारी बोले टाइम बताओ कब तक। व्यापारी सुरक्षा फोरम के अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन को 3 दिन का समय दिया। चोरी खुलासे के लिए बुलंदशहर में शिकारपुर नगर के बर्फ चौराहे के निकट एक दुकान में ताले तोड़कर हजारों रुपए का सामान ले गए चोर। चोरी न खुलने को लेकर व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों व बाजार के व्यापारियों की अग्रवाल धर्मशाला में बैठक हुई। 3 दिन पूर्व हुई चोरी का खुलासा नहीं हुआ। व्यापारियों ने चोरों की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जताई। शिकारपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश चतुर्वेदी ने व्यापारियों को चोरी प्रकरण की जाँच की स्थिति से अवगत कराया। व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि जल्दी ही चोरों की पहचान कर उनको गिरफ्तार कर लेंगे। उद्योग व्यापार मंडल भारत के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार गर्ग ने कहा कि कब तक गिरफ्तार कर लेंगे समय बताओ। कोतवाली प्रभारी ने बताया थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद व्यापारी सुरक्षा फोरम के अध्यक्ष गौरव मित्तल ने पुलिस प्रशासन को 3 दिन का समय देते हुए कहा कि यदि इन 3 दिनों में चोरों की गिरफ्तारी नहीं हुई आंदोलन। वहीं अग्रवाल वैश्य समाज के अध्यक्ष कुशल सिंघल ने व्यापारियों से अपील की है कि अपनी अपनी दुकान पर एक लाइट जरूर जलाकर जाए और सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवा ले, और पुलिस प्रशासन से निवेदन किया कि चोरी की घटना का खुलासा करो। अग्रवाल वैश्य समाज के युवा अध्यक्ष दीपांशु मित्तल ने पुलिस प्रशासन से कहा कि सर्राफा बाजार में जो पुलिस वाले भाई बैठे रहते हैं वे सर्राफा बाजार में घूमते नहीं है, अनुचाई वाले की दुकान पर ही बैठे रहते हैं। इस पर कोतवाल ने कहा कि कल से ही घूमेंगे, नहीं तो कार्यवाही की जाएंगी और रात्रि में एक पिकेट और लगा दी जाएंगी। थाने की फैंटम व गाड़ी भी घूमा करेगी। काफी समय से शादी की घटना हुई थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ समय से अपराधियों में दिन और रात घूमने और प्रवृत्ति दुकानदारों को नष्ट करने की बनी, जिनका हर एक इससे कोई व्यक्ति रात में अगर कहीं जा रहा है और उसकी तबियत की बीमारी से डॉक्टर के पास भी जा रहा है तो उसे डर है क्या भाई। ऐसे स्थान पर जो शिकारपुर का हार्ट है, जो शिकारपुर की बहुत अच्छी दुकानें कही जाती थी, अगर ऐसे स्थान पर बदमाश ताला तोड़ सकता है, माल ले जा सकता है और जहां तक की भी व्यवस्था आपको दिखाई दी है वहां तक जा सकता है, तो इसका मतलब रास्ते भरने से पुलिस व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं और उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो समझ रहे हैं कि अब हमें कोई रोकने वाला नहीं है। भाई सभी की हमारी भी अगर वेतन एक महीने का चला जाए हो जाए गिर जाए तो रात को रोटी भी अच्छी नहीं, रोटी भी नहीं खाई जाती है। तो ये दुकानदार भाई भी दो पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं और अगर इस प्रकार से इतना पैसा निकल जाए साथ तो इनकी क्या अवस्था होगी, यह हम सभी समझ।